चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं पैन कार्ड को लेकर। पैन कार्ड जो है अब आपको आधार से लिंक कराना पड़ेगा। अगर कोई लोग फिलहाल में जो अगर पैन कार्ड बनाए हैं तो आधार कार्ड तो जरूर दिए होंगे, यानी साल डेढ़ साल के अंदर में जो भी बनाए होंगे पैन कार्ड, तो उस आधार कार्ड दे के ही आप पैन कार्ड बनाए होंगे, तो ऑटोमेटिक हो सकता है आपका लिंक हो गया हो। अगर कोई लोग पहले ही पैन कार्ड बना चुके हैं और आधार कार्ड वगैरह नहीं दिए थे, या हो सकता है आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है पैन कार्ड, तो आपका पैन कार्ड का मान्य जो है रद्द हो सकता है। यह जो है भारत सरकार के तहत जो है 31 मार्च के तक का लास्ट डेट दे दिया गया है। आप 31 मार्च के तक में आप अपने पैन कार्ड को जो है आधार से लिंक कर सकते हैं। अगर आधार को लिंक नहीं करते हैं, पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड का मान जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप पैन कार्ड से अगर बैंक अकाउंट या किसी तरह का सरकारी काम करते हैं, आपका वो मान्य नहीं होगा। इसलिए सरकार जो है भारत सरकार के तहत जो है पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। उसका लास्ट डेट जो है 31 मार्च तक है। अब इसको जो है किस तरह अभी जो लिंक करेंगे, आप घर बैठे ही अब कर सकते हैं। इसको किस तरह करना है मैं आपको करके दिखाऊंगा चेक करके। तो इससे पहले मेरा वीडियो आपको सही लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और उस वीडियो का आप फायदा ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि जो है पैन कार्ड को आधार से लिंक किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में से किसी एक पे आ जाना है। आने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है आपको ई फाइलिंग। ई फाइलिंग लिख के जैसे सर्च कीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं फाइलिंग लिख के जैसे सर्च कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं ई फाइलिंग का जो है ऑफिशियल वेबसाइट आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे होम पे का पेज है, आप होम का पेज पे क्लिक कर लेंगे। जैसे होम का पेज पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस, ये क्विक लिंक के नीचे यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है लिंक आधार स्टेटस, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपको जो है यहाँ पे पैन नंबर और आधार नंबर इंटर करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पैन नंबर डाल लेना है। जैसे पैन नंबर डाल लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर भी डाल लेते हैं। आधार नंबर डाल लीजिए। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे मैसेज में आ चुका है, यहाँ बोल रहा है योर पैन इतना ऑलरेडी लिंक इन गिव आधार नंबर इतना, यानी कि मेरा जो है ऑलरेडी पहले से जो है लिंक है पैन कार्ड आधार से, तो मुझे लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लिंक यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन रहेगा ऐड लिंक पर, उस पर लिंक कर लीजिएगा। आई होप मेरे पास तो अभी किसी का है नहीं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। जैसे आता है मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा आपका जो है आधार लिंक किस तरह करना है। ठीक है, इसका लिंक करने का लास्ट डेट जो है 31 मार्च तक ही रखा गया है, उसके बाद जो है आपका लिंक नहीं होगा। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा आपका बहुत जगह जो है पैन कार्ड काम नहीं करेगा। जैसे कि आपका अकाउंट वगैरह खुलवाएंगे तो वहाँ पर मान्य नहीं होगा। जैसे पैन कार्ड लेके कहीं जाते हैं और वहाँ पर पैन नंबर दर्ज करते हैं तो आपका पैन नंबर मान्य नहीं होगा क्योंकि वो आधार से लिंक नहीं है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि 31 मार्च से पहले जो है आप अपना पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। तो जल्द से जल्द मेरा वीडियो आ जाएगा कि आपको जो है पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे किस तरह जो है आपको लिंक करना है। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मिलते हैं कोई टेक्निकल वीडियो के साथ।